नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका परमार्थ आवाज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। कायमगंज फर्रुखाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा अताईपुर में झोला छाप डॉक्टर का व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अताईपुर कस्बा में टावर रोड एक गेस्ट हाउस में झोला छाप डॉक्टर रंजीत का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन को जिसकी भनक भी नहीं, डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा है। आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर रंजीत के पास किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय कोई प्रमाण पत्र नहीं है और न ही क्लिनिक का कोई प्रमाण पत्र। बिना प्रमाण पत्रों के धड़ल्ले से अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा है। बेचारी गरीब आम जनता से मनचाहे पैसे वसूल रहा है। गरीब जनता का खुलेआम पेट काट रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार झोला छाप डॉक्टर रंजीत सुर्खियों में रह चुका है। झोला छाप डॉक्टर रंजीत ने लॉकडाउन के दिनों में भी अपने व्यापार को धड़ल्ले से करते नजर आ रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी खबर को दैनिक राष्ट्रीय जजमेंट के जिला संवाददाता अनिल कुमार ने खबर अपने कार्यालय भेजकर प्रकाशित करवाई थी, जिस पर बौखलाई झोला छाप डॉक्टर रंजीत ने कल यानी 1 नवंबर को लगभग 2 बजे अपने गुंडे शोभित कौशल व 3 अज्ञात लोगों को भेजकर जिला संवाददाता के साथ अभद्रता गाली गलौज की और कहा, खबर दोबारा प्रकाशित हुई तो जान से मार दिया जाएगा। जिससे डरे सहमे पत्रकार जिला संवाददाता ने विलम्ब न करते हुए दिनांक 2 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के फर्रुखाबाद पहुंचकर उक्त झोला छाप डॉक्टर के पूरे प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए झोला छाप डॉक्टर रंजीत व उसके गुंडों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा, एक पत्रकार के साथ की गई ये अभद्रता और जान माल की धमकी की घटना निंदनीय है। साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ फर्रुखाबाद को निर्देशित करते हुए झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस ज्ञापन के मौके पर देवराज राहुल कठेरिया, इरशाद अली, विक्रांत सिन्हा, मनीष कुमार, शेखर, पारस भारद्वाज, राजेश कुमार, रमेश यादव आदि पत्रकार मौजूद रहे। विजय सिंह, जिला ब्यूरो फर्रुखाबाद। कुमार है और मैं दैनिक राष्ट्रीय जजमेंट अखबार है उसमें काम करता हूँ जिला संवाददाता के तौर पे। हमारे साथ में ये घटना हुई है। हमने एक झोला छाप डॉक्टर है उनकी खबर प्रकाशित की थी, कार्यालय भेजी थी, अपने कार्यालय से प्रकाशित होकर आई थी। तो उसके बाद में डॉक्टर झोला छाप जो डॉक्टर रंजीत हैं, उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उसके यानी कि कल हमारे पीछे अपने गुंडे भेजे और उन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी की, अभद्रता की और हमसे बोला कि अगर आपने दोबारा खबर छापी तो हम आपको जान से मार देंगे इस टाइप से। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हम बड़ा डरे सहमे हुए हैं। आज हम जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं जहां हमारे बहुत पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है और हमने शिकायत की है। जिलाधिकारी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी उचित कार्रवाई करेंगे और हम भी यही न्याय चाहते हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए परमार्थ आवाज न्यूज के साथ। नमस्कार।